बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मुमताज़, यूट्यूब चैनल फार्मेसी से। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्त वीडियो के जान चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बारे में, जानते हैं इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके अलावा इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके यूजेस क्या है, इसके डोजेज के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा कौन से फार्मा ने इसको तैयार किया है और इसकी प्राइस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट सिरप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जानते हैं कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें साल्बुटामोल जो है 1 mg शामिल किया गया है, और इसके अलावा गाय फेनासिन जो है इसमें 50 mg शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये इसके इंग्रेडिएंट्स है। तो वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट सीरम दरअसल ये रिलीफ फॉर ब्रोंकोस्पाम और इसके अलावा कंजेक्शन जो होता है इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं आप इसे दमे के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बलगमी खांसी है उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई खांसी वगैरह या कोई ब्रोंकोचिट्स जो होता है, ब्रोंकोचल इस्थमा जो होता है, दमा जो होता है, इसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्रोनिक ब्रोंकोचिट्स जो होता है उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हर किसी की खांसी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट बेहतरीन कफ सिरप आप इसे कह सकते हैं, और ये शुगर फ्री सिरप है, इसमें शुगर बिल्कुल नहीं है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, शुगर के मरीज़ जो होते हैं, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर फ्री सिरप है। तो दोस्तों ये जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं ये लंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फेफड़ों के लिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, दमे के लिए, क्रोनिक ब्रोंकोचिट्स जो होता है उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत से खांसियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे कंडीशंस खांसी के होते हैं जो कि या लंग्स की वजह से होते हैं या थ्रोट की वजह से होता है, अगर गले में कोई मसला है जैसे टॉन्सिल वगैरह का, तो इस कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ख़ासकर इस्थमा के लिए इसकी बेहतरीन रिज़ल्ट है। तो दोस्तों वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट GSK फार्मा वालों ने तैयार किया है, जो कि एक बेहतरीन फार्मा है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके और बहुत से ऐसे मेडिसन्स तैयार किए गए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, हर किस्म के डिजीज़ में इसके मेडिसन इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत से डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए बनाए गए सिरप हैं इसके, और टेबलेट्स हैं इसके अलावा इंजेक्शन से। तो दोस्तों GSK फार्मा एक बेहतरीन फार्मा है। तो वेंटोलिन के डोजेज के बारे में जानेंगे, इसकी क्या डोजेज है। तो दोस्तों यहाँ पे बालगान जो है 2-4 चाय के चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 मरतबा, और जो छोटे बच्चे हैं वो 2-6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए आप 2 चाय के चम्मच, 6-12 साल के बच्चों के लिए आप 2 चाय के चम्मच दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक उसे इस्तेमाल करें तो बेहतरीन तरीका है, क्योंकि हमारे वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा, अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको इसके बारे में मालूम मिल सके, इसके डोजेज, इसके बेनिफिट्स, इसके इस्तेमाल के जो तरीके हैं वो आपको पता चल सके। बहरहाल अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें तो वो एक बेहतरीन तरीका है, ख़ासकर बच्चों में जो है मेडिसिन आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ख़ासकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरे करने के बाद आप मेडिसिन यूज़ करें। तो दोस्तों वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट सिरप के रिटेल की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या प्राइस है। तो यह तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है इसकी प्राइस है, ₹57 इसकी कीमत है, ₹57 पाकिस्तानी में। और दोस्तों कोई भी मेडिसिन अगर आप परचेस करते हैं तो कोशिश करें मेडिकल स्टोर पर ही उसकी एक्सपायरी चेक करें, उसके बाद आप उसे परचेस करें, ख़रीदें। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको डेजीनेस हो सकता है, इसके अलावा वोमेटिक का मसला हो सकता है, या पेप्टिक पेन जो होता है मैदे में दर्द वगैरह, या इसके अलावा ये जो इन्ग्रीडियंट्स हैं इनमें अगर आपको एलर्जी का मसला होता है तो कोशिश करें आप इसे इस्तेमाल ना करें। अलबत्त इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो ज़्यादातर ओवर डोजेज की वजह से ही सामने आते हैं, अगर आप डोज सही लेंगे तो इंशाल्लाह आपको साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे इसके।
ओवर डोजेज की वजह से ही वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, इसके अलावा पेप्टिक पेन हो सकती है आपको। तो दोस्तों यदि वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बारे में जानकारी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।